हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्वाद का खजाना। आज मैं एकदम स्पंजी और एटली सूजी केक बनाने वाली हूँ। सूजी केक हम बिना मैदे, बिना कंडेंस मिल्क और बिना अवन के बनाएंगे और ये केक एकदम टेस्टी और बनाने में बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं ये केक कितना स्पंजी बना है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। सूजी केक बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कप रूम टेम्परेचर पे दही। ये जो दही मैंने ली है इसमें नॉर्मल खटाश है। अगर दही बहुत ही खट्टी हो तो आप आधा कप ही लें। फिर दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि दही में बिल्कुल भी लम्स ना रहे। दही हमारा अच्छी तरह से फेंट कर रेडी है। फिर इसमें हम डालेंगे एक कप फाइन पिसी हुई चीनी। चीनी आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर चीनी और दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि चीनी अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए। इसके बाद इसमें हमें आधे कप जितना ऑयल ऐड करना है। ऑयल लेते समय आप ध्यान रखें कि ये किसी भी फ्लेवर का ना हो। आप ऑयल की जगह घी या बटर भी डाल सकते हैं। किसी भी केक में ऑयल या बटर डालने से केक बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बनता। अभी ये जो ऑयल हमें ऊपर दिख रहा है वो बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। उसे हमें अच्छी तरह से फेंट लेना है। यहाँ पे चीनी, ऑयल और दही अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसे हम ढककर 5 से 6 मिनट तक साइड पर रख लेंगे। तब तक हम सूजी देख लेते हैं। सूजी हमें चाहिए 2 कप जितनी, क्योंकि यहाँ पे सूजी का टेक्सचर थोड़ा सा दरदरा है, इसलिए हमें इसे ग्राइंड कर देंगे। और आज के इस केक में हम बिल्कुल भी मैदा यूज नहीं करने वाले हैं, इसलिए ग्राइंड करने से बाइंड में भी आसानी होगी और केक का टेक्सचर भी अच्छा आएगा। सूजी हमारी पीस कर रेडी है। फिर थोड़ी थोड़ी करके सूजी हमें मिक्सर में ऐड करनी है और इसे अच्छी तरह से मिलाते जाना है। आप देख सकते हैं अगर बैटर इतना पतला रहा तो केक अंदर की ओर बैठ जाता है। और बाकी की सूजी को भी मैंने मिला दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटर रुक रुक के गिर रहा है, यानी कि बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ही ठीक है। अगर कंसिस्टेंसी ऐसी रही तो केक बहुत ही हार्ड बनता है। तो इसे परफेक्ट कंसिस्टेंसी देने के लिए हम मिलाएंगे इसमें आधे कप जितना दूध। दूध हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। सूजी केक बनाते समय आप ध्यान रखें, सारी चीज़ें हमें रूम टेम्परेचर पर ही लेनी है। दूध अच्छी तरह से बैटर में मिक्स हो गया है। आप देख सकते हैं बैटर अब एक फ्लो में गिर रहा है। हमें इसके ऐसे ही रिबन कंसिस्टेंसी रखनी है। फिर बैटर को ढककर कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल सके। तब तक हम बेकिंग की तैयारी कर देते हैं, इसलिए आप कोई भी कढ़ाई या फिर कोई भी कुकर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ढोकले का कुकर लिया है। फिर इसके बॉटम में हमें 1 से 1.5 कप जितना नमक स्प्रेड करना है। आप नमक की जगह रेती भी यूज कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर इस तरह का कोई भी स्टैंड रख के मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक प्रीहीट करना है। अगर आप कुकर में केक बेक करने वाले हो तो इसकी रिंग और सीटी निकाल के यूज करें। इसके बाद हमें टिन को ऑयल या बटर से अच्छी तरह से सभी साइड से ग्रीस कर देना है। फिर इसके ऊपर बटर पेपर लगाना है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप मैदे या फिर आटे से इसकी डस्टिंग कर ले, जिससे केक आसानी से डिमोल्ड हो जाएगा। फिर केक को और भी टेस्टी बनाने के लिए मैंने ली है यहाँ पे 2 बड़े चम्मच जितनी टूटी फूटी। फिर इसमें हमें 1 चम्मच गेहूं का आटा मिलाना है। आप किसी भी केक में टूटी फूटी यूज करें तो उसमें आटा या फिर मैदा जरूर मिलाएं। ऐसा करने से टूटी फूटी थोड़ी सी हल्की हो जाती है और ये केक के अंदर बीच बीच में रहेगी, यानी कि ये बैटर के तले में बैठ नहीं जाती। अब चलते हैं बैटर की ओर। 30 मिनट के बाद बैटर गाढ़ा हो गया है। आप देख सकते हैं बैटर रुक रुक के गिर रहा है, क्योंकि जितना दूध हमने बैटर में पहले मिलाया था वो सूजी ने अपने अंदर अच्छी तरह से सोक कर लिया है। और इसकी कंसिस्टेंसी को परफेक्ट करने के लिए हम मिलाएंगे इसमें 2 बड़े चम्मच जितना दूध। दूध आप बैटर की कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग 1 या 2 चम्मच कम या ज्यादा यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टोटल 3 बड़े चम्मच जितना दूध मिलाया है। दूध ऐड करने के बाद हमारा बैटर पहले के जैसा ही रिबन कंसिस्टेंसी में आ गया है। फिर 1 चम्मच वेनिला एसेंस मिलाएंगे। फिर आखिर में इसमें हम 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर
और 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। बैटर को अच्छी तरह से मिला देंगे। आप यहाँ पे वेनिला एसेंस की जगह आधा चम्मच इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इलायची पाउडर का टेस्ट इस केक में बहुत ही अच्छा आता है। फिर लास्ट में टूटी फूटी डाल के इसे मिक्स कर देंगे। इसके बाद मिक्सचर को हमें केक टिन में ट्रांसफ़र कर देना है। फिर थोड़ी सी टूटी फूटी और ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर देंगे। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद बैटर को हमें ज़्यादा देर बाहर नहीं रखना है। इसे हमें तुरंत ही बेक होने के लिए रख देंगे और गैस की फ्लेम को हमें लो से थोड़ी ही ज़्यादा यानी कि लो टू मीडियम रखनी है और इसे 50 से 55 मिनट तक बेक होने देना है। केक को चेक करते हैं। केक आप टूथपिक या चाकू से चेक कर सकते हैं। टूथपिक क्लियर आ रही है, इसका मतलब केक अच्छी तरह से बेक हो गया है। इस केक को बेक होने में मुझे पूरा 1 घंटा और ऊपर 7 मिनट लगे हैं। बेकिंग टाइम केक की साइज और गैस की फ्लेम पे भी डिपेंड करता है, इसलिए आप 50 मिनट के बाद केक को चेक करते रहे। फिर केक को सावधानी से निकाल देंगे और इसे कम से कम आधे घंटे के लिए ठंडा होने देंगे। केक जब ठंडा हो जाए फिर हमें केक को चाकू से इस तरह से साइड से स्क्रैच कर देना है जिससे केक अच्छी तरह से निकल जाएगा। फिर इसके ऊपर प्लेट रखनी है और केक टिन को प्लेट के ऊपर इस तरह से उल्टा कर देना है। फिर टिन के ऊपर हल्के हाथों से टैप करें जिससे केक आसानी से निकल जाएगा। फिर बटर पेपर को निकाल देंगे। आप देख सकते हैं केक कितना बढ़िया बना है। इसे मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। काटने पर से ही आपको अंदाज़ा आ गया होगा ये केक कितना सॉफ्ट बना है और खाने में एकदम टेस्टी बना है। आप देख सकते हैं ये एकदम स्पंजी बना है। तो आप इस सूजी केक की रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ इस रेसिपी को शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।